मैं हर बिग बॉस फॉलो करती हूँ, और मैंने ये वाला बिग बॉस भी मैं फॉलो कर रही हूँ. और ऑफ कोर्स क्योंकि अंदर मेरे मेरा फ्रेंड है विकास गुप्ता इज़ इनसाइड, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. तो मैं और हिना भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो दोनों ही को देखने के लिए मैं देखती हूँ क्या कर रहे हैं. दोनों ही लड़ते रहते हैं कि नहीं हाय क्या करूँगी जब ये बाहर आएंगे. तो ऐसी चेंजेस मैं क्योंकि मैं खुद वहाँ से निकल कर आई हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप पागल हो जाते हो यार, लिटरली. यू नो 10 लोग 10 बातें करते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बट हम जो लोग करके आए हमें पता है कि वो एक्चुअली स्क्रिप्टेड नहीं होता है, और वो जो कुछ हो रहा होता है वो सच में हो रहा होता है. सिचुएशंस ऐसी होती हैं. हाँ, वो मैं मान सकती हूँ कि बिग बॉस को अगर पता है कि 2 बंदों के बीच में झगड़ा है, तो वो उनको साथ में टास्क ज़रूर दे देंगे फॉर फन सेक, बट दैट इज़ नॉट, यू कॉन्ट कॉल इट स्क्रिप्टेड. सो सबके अभी धीरे धीरे असली रूप आ रहे हैं. वन थिंग वट आई पर्सनली डोंट लाइक एट ऑल इज़ जो कॉमनर्स आते हैं बिग बॉस में, वो जिस तरह से एक्टर्स को बोलते हैं, अरे ये तो साले एक्टर हैं, अरे ये तो साले, इनका तो काम ही ये है, तो तुम वहाँ क्यों आए हो? तुम भी तो कहीं ना कहीं वही बनना चाहते हो. तुम्हारे इमोशंस इमोशंस हैं एक एक्टर का, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो अपनी एक्टिंग से सामने वाले को रुला सकता है, तो वो सच में नहीं, उसके इमोशंस ही नहीं हो सकते क्या? मतलब वो इंसान ही नहीं है. दिस थिंग आई जस्ट हेट अबाउट कॉमनर्स, व्हाट दे से. आप ये भी बोल रहे हो, और एट दी एंड आप बिग बॉस के अंदर भी इसलिए जा रहे हो कि आपको फेमस होना है, आपको भी उनमें से एक बनना है, तो आप अंदर जा रहे हो. तो अगर मुझे मौका मिला, मैं उनकी बचा दूंगी जाके, बाय गॉड, लाइक लिटरली आई विल किल देम ऑल, कि तुम लोग निकल जाओ फिर इस घर से बाहर, डोंट बी देयर. दिस आई डोंट लाइक, हमेशा मैं इसी चीज़ पर गुस्सा मुझे आता है, कोने में बैठ के कॉमनर्स अपना एक वो ट्रिप बना देते एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, विच इज़ वेरी बैड. मुझे अभी जो फील हो रहा है बिग बॉस देख के लास्ट सीजन से, जब से ये कॉमनर्स की एंट्रीज होने लगी हैं तब से, क्योंकि दे वॉन्ट टू स्टैंड समवेयर. जो एक्टर्स हैं उनकी ऑब्वियसली ये कहने की बात ही नहीं है, उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनको लोग प्यार करते हैं, तभी वो लोग एक काम करके एक मुकाम तक पहुँचते हैं और फिर वो बिग बॉस में आए हैं. तो ऑब्वियसली बात है यार, लाइक हाउ कैन दे टॉक लाइक दैट अबाउट देम? उन्हें कहीं ना कहीं पे ना स्टैंड करना होता है दैट कि हम भी हैं, हम भी मौजूद हैं. तो वो उस चक्कर में वो इतना गंद फैला देते हैं, उन्हें लगता है कि पीपल आर मैड, बट आजकल की पब्लिक पागल नहीं है भाई, सबको सब पता होता है. सो स्टॉप यू नो इतना ज़्यादा आप फेक करना बंद कर दें. आई फील कि कॉमनर्स ज़्यादा एक्टिंग करते हैं आके देन एक्टर्स. सो यू नो दे शुड अंडरस्टैंड कि आप अपना एक डिग्निफाइड अपना एक वो बनाइए, स्टैंड बनाइए, और उस तरह से रहिए. नॉट टू किल समबडी और नॉट टू टॉक रबिश. हाथ मात भी उठा दिया इस बार तो यार, विच इज़ वेरी सिक, और ये नहीं होना चाहिए. मेरे सीज़न में भी हुआ था एक बार, जिसकी वजह से कड़ी सज़ा मिली गई थी, मिली थी, किसी को नाम नहीं लूँगी उस इंसान का, अभी तक नहीं लेना चाहती. लेकिन या सो दिस इज़ रियली बैड. फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ.